दोस्तों आज बात होगी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक बेहद सुंदर देश साउथ अफ्रीका के बारे में, जिसे रेनबो नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश की एक नहीं 11 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जिसने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसे प्रकृति ने सब कुछ दिया है, जहाँ कालाहारी रेगिस्तान से लेकर निस्ना के घने जंगलों तक, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर खूबसूरत घास के मैदान तक, यहाँ नेचर की हर खूबसूरती को देखी जा सकती है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है, जिसे 1961 में अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। हमारे भारत देश की ही तरह साउथ अफ्रीका पर भी पहले अंग्रेजों का शासन था। जी हाँ, साउथ अफ्रीका पर पहले यूनाइटेड किंगडम का राज हुआ करता था, जिनसे उन्हें आज़ादी 31 मई 1910 को मिली थी, और फिर 31 मई 1961 में इस देश के गणतंत्र की स्थापना की गई। इस देश का कॉलिंग कोड +27 है और यहाँ के लोग बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। इस देश का पूरा एरिया 12,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 6 करोड़ के आसपास है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो साउथ अफ्रीका पूरी दुनिया का 25वां और अफ्रीका महाद्वीप का 9वां सबसे बड़ा देश है। वही जनसंख्या के लिहाज से यह देश विश्व का 25वां और अफ्रीका महाद्वीप का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में पीने के पानी को दुनिया का 3रा सबसे अच्छा पीने लायक पानी माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में ऐसी कई जगह भी हैं जहां आज भी लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। इसीलिए तो साउथ अफ्रीका के बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है। दोस्तों, क्या आपने टेबल माउंटेन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आपको बता दूं, यह एक सपाट चोटी वाला पहाड़ है जो साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में स्थित सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगह है। दुनिया का सबसे बड़ा रिजॉर्ट होटल, जिसे द पैलेस ऑफ द लॉस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, वो साउथ अफ्रीका में ही स्थित है। साथ ही पूरे अफ्रीका महाद्वीप के 45% बिजली का उत्पादन साउथ अफ्रीका में ही किया जाता है, और तो और इस देश में 80% से भी अधिक प्लेटिनियम का भंडार है। साल 2006 में साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का पहला और पूरी दुनिया का 6ठा ऐसा देश बना जिसने समलैंगिक विवाह को अनुमति दी। यहाँ के कानून के अनुसार एक लड़की को दूसरे लड़के के साथ रहने और शादी करने की कानूनी सहमति है, साथ ही दूसरे लोगों की तरह उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव लोग साउथ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, इस देश की एक नहीं 11 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक उसी तरह यहाँ की एक नहीं बल्कि 3 राजधानियाँ हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफोंटेन, जबकि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी जोहानसबर्ग है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की अर्थव्यवस्था नाइजीरिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था है। साउथ अफ्रीका में सबसे अधिक ईसाई धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ के करीब 80% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है और 10% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, यानी नास्तिक हैं। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना इसी देश में मौजूद है, जिसे टूजला वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 948 मीटर है। खेलकूद की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका एक लौता ऐसा देश है जिसने क्रिकेट, रग्बी और फुटबॉल विश्व कप की होस्टिंग की है। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा, पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जिस कारण वहाँ के लोगों का रंग काला होता है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे, अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा गोरे लोग साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा मांस का प्रोडक्शन साउथ अफ्रीका में ही किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में ही ज्यादातर अफ्रीकी देशों में मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। केप टाउन और जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका के दो ऐसे शहर हैं जहाँ की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। अगर आपको पार्टी करने का शौक है या पब जाने का शौक है, तो ये शहर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच बियर पीना काफी लोकप्रिय है। आपको बता दें, इस देश के लोग बियर पीने के मामले में दुनिया में 4थे नंबर पर आते हैं। दोस्तों, करेंसी की बात करें तो इस देश में साउथ अफ्रीकन रैंड चलता है, जो कि लगभग 5.5 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।